एक HIV पॉजिटिव महिला ने बनाए अपने नाबालिग भतीजे के साथ यौन संबंध, फिर जो हुआ उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। और जापान में कैसा कैफे है जहां आप लड़कियों को हग करके उनकी बाहों में सोकर प्यार भरी बातें कर सकते हैं। और ये बायोलॉजी टीचर बच्चों के सामने अपना कपड़ा क्यों उतारने लगी और इसके पढ़ाने का तरीका देख आप कहोगे कि भगवान ऐसी टीचर सबको दे। और आखिर मरने के बाद कैसे किया जाता है डेड बॉडी का पोस्टमार्टम, और एक ऐसा पेड़ जिसे काटने पर बहती है खून की धारा, और किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नंबर 1, अब वो समय चला गया है जब यौन शोषण के मामले सिर्फ महिलाओं के साथ देखे जाते थे। पिछले कुछ समय में पुरुषों के साथ भी यौन शोषण की घटनाएं सामने आई है जिनमें अपराधी महिला अधिकतर बड़ी उम्र की होती है। हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक 23 वर्षीय महिला ने अपने 15 वर्षीय भतीजे को जबरन यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जब बच्चे ने अपने चाची के बारे में परिजनों को बताया तो महिला के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया। वो महिला HIV पॉजिटिव है जिसके बाद उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और धारा 270 के तहत मामला शिकायत दर्ज की गई। धारा 270 में गंभीर बीमारी फैलाने का अपराध शामिल है। कुछ महीने पहले ही महिला के पति की मौत HIV के कारण हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में राहत की खबर यह है कि 15 वर्षीय बच्चे की HIV रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नंबर 2, बाहर के देशों में पढ़ाई को कितना मजेदार बना दिया जाता है इसका अंदाजा आपको इस वीडियो से लग जाएगा। नीदरलैंड्स में डेबी हिल्केंस नाम के एक बायोलॉजी टीचर हैं। अक्सर बायोलॉजी में स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम जैसे टॉपिक्स काफी बोरिंग हो जाते हैं, जिन्हें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेबी ने एक नया तरीका निकाला है। स्केलेटन सिस्टम और मसल सिस्टम वाली ड्रेसेस पहनकर बच्चों को पढ़ाने लगी जिससे बच्चों में सब्जेक्ट्स के प्रति रुचि पैदा हो सके। इतना ही नहीं, एक दिन तो वो अपने कपड़ों के नीचे ही दूसरी ड्रेस पहनकर आ गई और बच्चों के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगी। बच्चों को टीचर का ये अंदाज काफी पसंद आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने के बाद हर जगह डेबी के पढ़ाने के स्टाइल की चर्चा होने लगी। क्या हमारे स्कूल में भी टीचर्स को इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज अपनाने चाहिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है? नंबर 3, जापान में पिछले कुछ सालों के दौरान लोगों के बीच स्ट्रेस और अकेलापन बढ़ता ही जा रहा है। अब लोगों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए जापान में एक कडल कैफे की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, इस कैफे में लोगों को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। दिन भर की थकान मिटाने के लिए आप यहां आकर कुछ पल सुकून के साथ बिता सकते हैं, जहां खूबसूरत लड़कियां आपके बाल सहलाएंगी, आपसे गले मिलेगी, आप उन्हें अपनी बाहों में ले सकते हैं और उनकी गोदी में लेट भी सकते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको फीस चुकानी पड़ेगी जिसके रेट समय के अनुसार अलग अलग हैं। ये कैफे जापान के युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन कैफे में सिर्फ आप किसी के साथ कडल कर सकते हैं, उससे आगे कदम बढ़ाने की अनुमति नहीं है, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 4, किन्नर हमारे समाज का ही एक हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें लोग हिजड़ा, छक्का, बीच का और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। किन्नरों के बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। कहा जाता है कि किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही बहुत जल्दी लगते हैं, इसीलिए गलती से भी किसी किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि किन्नर की पहचान कैसे की जाती है। जन्म के बाद गुप्तांग के आधार पर किन्नरों की पहचान होती है, और जैसे ही किन्नर समुदाय तक ये बात पहुंचती है वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन देवता से शादी भी करते हैं। किन्नरों की जब भी मौत होती है तो उनका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई किन्नर का अंतिम संस्कार देख ले तो अगले जन्म में वो दोबारा किन्नर बनता है। किन्नर की मौत के बाद उसके शव को जूते चप्पल से पीटा जाता है और अन्य किन्नर समुदाय के लोग खुलकर जश्न मनाते हैं और नाच गाना करते हैं, क्योंकि मरने वाले को किन्नर के भाव से मुक्ति मिल गई है। नंबर 5, अफ्रीका के कैनरी आइलैंड में ड्रैगन ब्लड ट्री नाम का एक पेड़ पाया जाता है जिसे काटने पर इसके अंदर से लाल खून निकलता है। जिस प्रकार अन्य पेड़ों की छाल काटने पर उसके अंदर से पीला या सफेद रंग का रेजिन निकलता है, ठीक उसी प्रकार ड्रैगन ब्लड ट्री के अंदर से लाल रंग का रेजिन निकलता है। यदि कहीं से डाली टूट जाए तो वहां से भी खून की धारा बहने लगती है। लोगों के बीच इस पेड़ को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। कहा जाता है कि इस लाल रेजिन से अल्सर, बुखार और ब्लड संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल डाई और कलर बनाने के लिए करते हैं। लोगों का मानना है कि एक बार किसी ड्रैगन की यहाँ मौत हो गई थी और उसी जगह से ड्रैगन ब्लड ट्री की उत्पत्ति हुई है। ये पेड़ अब यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय होने लगा है। नंबर 6, आपने आज तक रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, लेकिन ताइवान की राजधानी ताइपे में स्थित ये रेस्टोरेंट सबसे अलग है। इस रेस्टोरेंट का नाम टॉयलेट रेस्टोरेंट है, जिसे टॉयलेट की थीम पर ही डिजाइन किया गया है। इसके अंदर घुसते ही आपको ऐसा लगेगा मानो आप टॉयलेट की दुनिया में आ गए। हर तरफ पूप और कमोड ही नजर आएंगे। यहाँ बैठने वाले कुर्सियों को भी कमोड की शेप में ही डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, खाने की डिशेस को भी बेसिन और कमोड में डालकर सर्व किया जाता है। कुछ डिशेस को तो तैयार भी पूप यानी लैट्रिन की शेप में किया जाता है। जैसा आप यहाँ पूप आइसक्रीम का मजा ले सकते हैं, कमोड में डाला हुआ सूप लोग यहाँ पर पीते हैं। ये रेस्टोरेंट आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के कारण आज ये काफी फेमस है। नंबर 7, शायद ही ऐसा कोई जीव जंतु होगा जिसे चीन के लोग ना खाते होंगे। रैटल स्नेक एक ऐसा खतरनाक सांप माना जाता है, लेकिन चीन
के लोग इस सांप को बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। अक्सर लोग शाम को चाय के समय फ्राई करके रैटल स्नैक खाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सांप की कैचुली को उतारा जाता है, फिर एक रात सांप को बटर मिल्क में भिगोकर रखा जाता है जिससे उसे एक अच्छा फ्लेवर मिल सके। अगले दिन 4-4 इंच के पीस कट कर उन्हें मसालों और अन्य सामग्री के साथ मिक्स कर फ्राई कर लिया जाता है। चीन के अलावा अमेरिका में भी फ्राइड रैटल स्नैक की डिमांड बढ़ने लगी है। नंबर 1, आप लोगों ने फिल्मों और टीवी में देखा होगा कि किसी की मौत के बाद उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है, और आप में से कुछ लोगों ने असल जिंदगी में भी पोस्टमार्टम की बात सुनी होगी। पोस्टमार्टम एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति की बॉडी को एग्जामिन कर मौत के कारणों का पता लगाया जाता है। सबसे पहले बॉडी को ऊपर से एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं कोई चोट के निशान तो नहीं है। इसके बाद उसके बाल, नाखून और आंखों की जांच की जाती है। साथ ही बॉडी पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। अब बॉडी को चीरा लगाकर काटा जाता है। मेल बॉडी को वी शेप में और फीमेल बॉडी को यू शेप में काटा जाता है। अब मशीनों की मदद से अंदरूनी हिस्से की स्कैनिंग की जाती है और अलग अलग पार्ट्स को निकालकर उनकी जांच की जाती है। अब डॉक्टर्स देखते हैं कि क्या दिमाग खोलने की जरूरत है। अगर हाँ, तभी दिमाग को खोला जाता है। बॉडी बंद करने से पहले डॉक्टर्स कुछ पार्ट्स अपने पास ही रख लेते हैं जिससे उनकी जांच अच्छे से की जा सके। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम करने से पहले परिवार वालों की इजाजत लेना जरूरी होता है। बिना परिवार के कंसेंट के कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।